सीता ने यहाँ पे हमने अपनी बॉनफायर भी कर दिया है और अब हम बना रहे हैं। थ्रेड हमने काट दिया है, अब हम कर रहे हैं सबसे मुश्किल काम। ये फ्रेंड्स देख लीजिए, हमारा बेड हमने लगा दिया। ये हमारा है चेंजिंग रूम, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। इसमें जाओ और लगता है देखने में, ये पूरी की पूरी रेंज। थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। और ये है फॉरेस्ट, ये है आपका डलहौजी। अभी हम जा रहे हैं, ये सामने इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है ये आप मॉल रोड देख सकते हो। कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा व्यू, तो बहुत अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है ना। और जगह भी बड़ी कूल एंड क्वाइट सी है, मतलब पीसफुल है। और होटल्स पर ये है कि पीक सीजन में तो मारामारी है, क्योंकि बहुत कम है, कंस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं है। तो लेकिन आना चाहिए, एक बार यहाँ आना चाहिए, कोशिश करो कि ऑफ सीजन में आओ। ये है इधर मॉल रोड, और माल रोड के बिल्कुल ठीक सामने है ये सेंट जॉन चर्च है। बहुत ही कम भीड़ मिलती है आपको यहाँ पे, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, और अपराई तो देख के बहुत खुश होती है ऐसी एंटीक चीज़ों को। पीछे देखो, व्यू देखो। ये चटनी है बनाई हुई, और ये समोसे हैं गरम गरम फाड़ दिए भैया ने, बिल्कुल यही है। आप भी आए तो एक बार ट्राई जरूर करें, मजा नहीं आएगा तो पैसा वापस है, आपके भाई का वादा है। अभी करता हूँ सवा चार टन समोसों को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे व्लॉग जो है शाम को 6 बजे आते हैं। थैंक यू वेरी मच, काफी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। अभी आपने देखी थी डलहौजी की शाम, मैंने आपको दिखा दी है। सुबह मैंने अब हम चल पड़े हैं समोसे वमोसे ब्रेकफास्ट खा के, और एक दो डायन कुंड भी पड़ता है तो रास्ते में ही पड़ती है, और सुना है कि बर्फ मिलेगी वहां पे। Like a bird on a tree. और कैंपिंग का हमारा और पूरा मन बन चुका है, तो आज आपको 48 आवर्स मैडम चैलेंज करने के लिए बोल रही है। 48 घंटे तक हम गाड़ी में रहे, उसमें गाड़ी में रहेंगे, होटल लेंगे ही नहीं, फर्स्ट टाइम करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ लाइफ में ना सारे वो काम कर लूँ जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि उम्र ना सिर्फ किताबों के नंबर्स होते हैं, तो कोई किसी उम्र का भी आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर आपको भी नज़र आ रहा हो जो मुझे नज़र आ रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं साइडों में सड़क पे स्नोफॉल हो रखी है, और लोगों ने मस्ती करना शुरू कर दिया है। ये ओ देखिए, सामने आपको दिख गया होगा, फुल मस्ती हो रही है, फुल इंजॉयमेंट हो रहा है। ए भैया बर्फ से खेल रहे हैं। डायन कुंड है वहाँ पे, कह रहे हैं एक माता का मंदिर भी है टॉप पर, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, तो उसके लिए शायद 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। शाम को 7-8 बजे करीब का होता है, 7-8 बजे तक, 9 बजे तक हाथ धोती है। अच्छा। लेकिन रात का भालू जो आपको नुकसान नहीं करता, मॉर्निंग का भालू होता है वो भी कैसे नुकसान करेगा, इसमें एक फीमेल रहती है। अच्छा। वो ज्यादा अटैक करती है जो दूसरा होगा। अरे घर में भी फीमेल अटैक करती है, हम तो फीमेल से ही परेशान। भालू की वाइफ भी ऐसी होती है, भालू की वाइफ भी ऐसी होती है। अच्छा, ये फीमेल से परेशान है, अकेले ही घूमो। अब भैया कह रहे हैं भालन, क्या भालू क्या बोलते भालू बीवी को? उनके साथ बच्चे रहते हैं, तो खिला, हाँ, ये बच्चे को ले जाएंगे, बच्चे को ना ले जाए, माँ पोजेसिव होती है अपने बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो चले आप करेंगे कैंपिंग आज? करेंगे और क्या, डेफिनेटली। धन्यवाद भैया, थैंक यू, आपने काफी समझाया हमें। ट्रैक तो अभी ट्रैक, ओ गाड़िया देखिए, हम सोचते तो ऑफ सीजन है, बहुत लोग हैं। यहाँ पे आके रास्ता हो गया बंद, अब मैं यहाँ से ये चढ़ाई होगी, अब मैं करता हूँ यहाँ से गाड़ी बैक। ये स्टेज स्टार्ट हो गई है, गाड़ी पार्क कर दी है, और ये है। और भाई बता नहीं, मेरे को तो पैरों में दर्द है। अब ये देखता हूँ कि मैं चढ़ पाऊंगा कि नहीं चढ़ पाऊंगा, और आपको अपडेट करूंगा। नहीं चढ़ पाऊंगा तो वापस आ जाएंगे, क्यों प्रजा है, आप तो चढ़ जाओगे। उड़ाते उलझे पड़े भाई, थोड़ी दूरी चले थे और ये आ गया, रास्ते में बर्फ पड़ी है। ये देखो अभी 900 मीटर आएगा, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। बर्फ में से निकलती हुई पर्वतारोही अपराजिता, थोड़ा डेंजरस है यहाँ पे। डेंजरस है क्योंकि क्या है ना, सीमेंटेड है तो स्लिप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं। आपके पैरों में स्नो है और आप चल रहे हो, बर्फ है, और मैंने जूते पहने हुए स्पोर्ट्स शूज वाले, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों को संभालता हुआ चल रहा हूँ।
ये भी डरा कि मोबाइल ना गिर जाए, लेकिन अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्फ मिले। ये देख लीजिए, ये रास्ता है, अब इसको क्रॉस करना है। क्या हुआ? आप आई कल से देख रहे हो, इधर से आओ ना, आराम से आओ। फिर ऐसे गिर जाएगी, तुमने बड़े बड़े तुमने माउंट एवरेस्ट फतेह किए। आ गया मेरा शेर, आ जा आ जा। It's clear to see from up here. तो देखिए हम कहाँ आ गए हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है। और वैली देखिए, पीछे दिखाता हूँ आपको मैं कितनी गहरी। आज मुझे मालूम पड़ा है कि भाई मेंटली भी स्ट्रांग हैं हम और फिजिकली भी हैं, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी मैं जाऊंगा आपको उधर सामने मंदिर लेके और वहां से दिखाऊंगा 360 डिग्री व्यू। अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, वो आ गया सामने मंदिर। कहां जाते हो रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम देखो कि हम बिन चल नहीं पाओगे जानम, दो कदम आगे। आ गया, हम पहुंच गए हैं पुल्हानी माता मंदिर। तुझे ऐसे गगन की तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन की तले चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। वो नीचे गाड़ियां पार कर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, ये लोग भी ऊपर जा रहे हैं। भैया भेलपुरी बेच रहा है, प्राय तक थोड़ी भूख लगी थी तो भेलपुरी खाएंगे हम। और अभी नीचे जाना हमें, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब हम आ गए हैं और अब हम चलते हैं कहीं, देखते हैं कहाँ लेके जाएंगे और कैंपिंग वैम्पिंग का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं पूरा। अब कहाँ चलें, नीचे उतर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं खजियार, और खजियार में ही कुछ जुगाड़ करेंगे कैंपिंग वैम्पिंग करने का। वैसे बारिश का मौसम हो चुका है, हो सकता है बारिश भी आ जाए, तो खजियार चलते हैं और आपसे शेयर करते हैं। प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, सब्सक्राइब करो ना करो, देखना जरूर भाई का चैनल। सब्सक्राइब जब करना है जब आपको लगे कि कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है। पानी भरेंगे फ्रेश मिनरल वाटर, बट ध्यान से। अभी सुबह हम सामने से आए थे और हमें जाना है यहाँ से राइट। अब हम जा रहे हैं खजियार, और ये खजियार, और हम चले गए थे यहाँ ऊपर, ऊपर की तरफ चले गए जहाँ से हम आ रहे हैं। तो अब चलते हैं खजियार, यहाँ से शायद 10 किलोमीटर दूर होगा ये खजियार। अभी सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गया है, और अगर आपको ये बात पता हो तो कितना सुंदर आ रहा है। लेकिन एक भी, मैं जितने रास्ते में कोई टपरी कोई फ्रूट बेचने वाला आदमी को अलाव नहीं किया गवर्नमेंट ने खजियार में, मैंने आपको देखा है स्पेशली इसमें कि कोई भी आदमी यहाँ अपनी दुकान नहीं चला सकता। और ख़ास बात ये लगी मेरे को, जो ये आपका खजियार है इसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं, और रियली में आपको मज़ा आएगा। चारों तरफ देवदार के ऐसे ट्री लगे हुए हैं, और बीच बीच में थोड़ा पानी सा भी है। देवदार के ट्री ऐसे उगे हुए हैं, पता नहीं बनाया गया है इसको या कैसे। वैसे ये जो डलहौजी है ना, ये अंग्रेजों के टाइम की राजधानी है। यही देखिए, लग रहा है ना स्विट्जरलैंड जैसा। माय गॉड, रियली बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। वेलकम टू मिनी स्विट्जरलैंड, यही है, यही लगाएंगे हम। और देख लीजिए बिल्कुल मस्त एकदम। और ये देखिए कितनी गाड़ियां पार्क की हुई हैं, हम भी यहीं अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे। In the great outdoors. ये देख लो कितना सुंदर है, बारिश की बूंदें भी स्टार्ट हो गई है।
पिछली बार तो कौस्तु भी हमारे साथ आया था, बहुत सुंदर है भाई, बहुत खूबसूरत है। पार्किंग हमने कर दी है सामने, और आज हम यहीं रहेंगे। और एक स्कॉर्पियो और खड़ी है, ये देखिए हमने यहाँ खड़ी कर दी है। ये तो परिसर सुंदर हो गया, बिल्कुल किसी ने ठीक कहा है अपराजिता, ये मिनी स्विट्जरलैंड है। और यहाँ बर्फ भी पड़ती है क्या? अगर मान लो यहाँ बर्फ पड़ जाए दिसंबर के महीने में, तो फिर तो ये अलग ही नजारा कुदरत का। देखिए हैं, पड़ती है ना, लास्ट टाइम आए थे हम याद है? हाँ, वो बर्फ पड़ी थी वहाँ पे, हम वहाँ गए थे। देख डॉग्स भी खेल रहे हैं, ये हम भी उधर, हम यहीं रहेंगे, हो सकता है हम यहाँ आज भी रहें और मैडम आप रहते अच्छा लगे रहेंगे ना। और देखिए कितना सुहाना, क्या मस्त है। और ये मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, मतलब आप यहाँ सुना क्या कोई लाग लपेटा भैया, कोई मेरा कोई इंटरेस्ट है, हमने कोई पैसे नहीं दिए हिमाचल वालों से। कार में ही रहेंगे। हाँ, कार में ही खाना सोना सब कुछ, कार में सब कुछ है। हाँ, देखते हैं जरा कैसा रहता है, मजा आता है नहीं आता? नहीं मजा ही आएगा। हाँ, मजा आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, मजा फुल मजा आएगा। और अभी दो घंटे बाद देखना सारी गाड़ियाँ खाली हो जाएंगी और यहाँ से सब लोग ही चले जाएंगे डलहौजी। यहाँ मैं खजियार में घूमने आया हुआ था और मेरे एक दोस्त हैं जिनके पास स्कॉर्पियो है ना, ग्रीन कलर की जो मैंने आपको बताई थी, वो एक चंडीगढ़ के हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरा दोस्त भी है सब्सक्राइबर भी है, वो उनकी गाड़ी, उन्होंने मेरी गाड़ी पहचान ली। ये फ्रेंड हमने पूरा सेटअप लगा दिया अपना, लालटेन वगैरह, और हम बनाएंगे यहाँ पे खाना। पूरा फॉरेस्ट देख लीजिए आप, और यहाँ पे अब हम प्लान कर रहे हैं अपना खाना बनाने की। लाइटिंग वाइटिंग हमने पूरी प्रॉपर कर दी है, और आज डिनर बना के डिनर बनाते हैं, फिर अपना कार में सोएंगे आराम से मस्त। तो अभी बस सेटअप कर दिया, थोड़ा स्टार्ट कर लिया है। ताने यहाँ पे हमने अपनी बॉनफायर भी कर दिया है, और ये हम मैं अभी सब्जियां उब्जियां काट रहा हूँ, ये पूरा अभी करेंगे, और ये आटा वाटा हम गूंद रहे, रोटियां बनाएंगे, और क्या बना रहे प्रीतम? हम बना रहे मिक्स वेज। हाँ, और चपाती, चपाती बनाएंगे, करेंगे डिनर, बहुत ज्यादा हैवी नहीं करेंगे। हाँ, और बढ़िया सा बनेंगे। और हमने अपनी आग वाग लगा दिया, सेटअप कर दिया, यहाँ की आग भी ऐसी है, थोड़ी सी देर में हमने की थी, और हमारा पूरा का पूरा सेटअप इसमें हो चुका है। और ये देख सकते हैं पूरी प्रॉपर बॉनफायर हम कर रहे हैं, ठंडी लगेगी पूरा। रात का टाइम है, देखो घूप अंधेरा है बिल्कुल, जो रोशनी है वो हमने किया, देखो पूरा अंधेरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ पेड़ ही पेड़ देखेंगे आपको ऊपर। तो अब हम बनाते हैं, ये हम वो बुलाए हैं कवर करने के लिए, तो शुरू करते हैं खाना बना, आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल हमने अपनी आग वाग जला ली है, लाइट जला ली हमने वो वाली भी, और ये हमने आग लगा रखी यहाँ पे हल्की हल्की, कुर्सियाँ हमारी सेटिंग अरेंजमेंट है, और ये हमने काट लिए हैं, तेल गर्म कर रहे हैं, और बनाएंगे अभी टेस्टी 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 बढ़िया खाना, और बताएंगे आपको पूरा दिखाएंगे प्रॉपर आप, कि रात में घुप अंधेरे, देखिए पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं दिखता यहाँ पे, अंधेरा है, फॉरेस्ट है पूरा। हाँ, और ये हमारे खाने का जुगाड़ पूरा है, पर अंधेरा है पूरा प्रॉपर। ये जो लाइट दिख रही है आपको, ये दिख रही है हमारे फोन की। आज जंगल में पूरा मंगल करेंगे, और एक लाइफ का अलग से एक्सपीरियंस लेंगे कि ये कैसा रहता है जब रात में आप ऐसे कुर्सियां लगा के जंगल जानवर, यहाँ पे भालू का बड़ा आतंक है, अगर भालू आएगा तो रात को आपको भालू भी दिखाएंगे। पर हम 8:30 तक पहले ही खाना बना लेंगे, और उससे खा पी के 9:30 तक अपना खाना वाना बना के, हाँ, अपना सोने की तैयारी करेंगे। बस एक बार गाड़ी में लेट जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। ये हमारी गाड़ी खड़ी है अंधेरे में, पूरे है वो दूर एक लाइट जल रही है, दिख रही हो तो आपको, लेकिन पूरा अंधेरा है। और ये हमारा सेटअप, ऊपर देखो चांद, चांद का, ओहो ऊपर चंद्रमा दिख रहा होगा आपको, लेकिन देवदार के बड़े बड़े घने घने। साथ में कोई ग्रुप हो ना तो और मजा आएगा। हाँ, अभी तो अगर हम चलो लाइफ का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर ग्रुप होगा तो और मजा आता है। इसमें सब्जी बन गई थी, और अब हम बना रहे हैं, थ्रेड हमने काट दिया है, और अब बना रहे हैं इसमें चपातियाँ। क्यों प्राइस है, कितनी चपाती बनाओगे? 5 काफी है? 5-6 कितनी खानी है? 3 ही खाऊंगा तो देख लो।
तीन ही खाऊंगा, पांच बना लो। भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये स्टोव लोग पूछ रहे कि है इसमें गैस का बर्नर लगा हुआ है, गैस मैं दिखा दूँ मैंने उसमें चैनल, मैं आपको दोबारा दिखा दूँगा, ये इसके अंदर हम एक बुटेन गैस सिलेंडर लगाते हैं, उसकी प्रॉपर मैं आपको दिखा दूँगा। इस फिलहाल तो हम इसमें खाना बना रहे हैं, ये गैस है देखो जल रही थी, ये सिलेंडर हमारा ये होता है, इसके अंदर ये ख़त्म हो गया था, हमने इसमें बुटेन के बहुत ठंडा होता है देखो कैसे रखे, इस पर ये ख़त्म हो गया हमारा, तो हमने नया लगा लिया, काफ़ी सारे लाए हुए हैं देखो। खाना ऑलमोस्ट हमारा थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। मेरी रोटी पूरी फुला दी है मैडम ने, तवा नहीं है फिर भी अपराजिता बहुत कैलिबर वाली लड़की है। अभी हमारा खाना हो गया तैयार, ये देसी घी, ये चपाती, ये सैलेड है, वो सब्जी है, और ये हमारा प्रॉपर खाना। और हम कहाँ खा रहे हैं बैठ के, इस डेंस फॉरेस्ट के अंदर, और ये हमारी पार्टी हो रही है, और ये हाँ ये फॉरेस्ट है, ये हमारे बल्ब लगे हुए यहाँ पे, ये हमारा खाना है, और ये हमने अपना खाना डाल लिया है, और ये हमारी जंगल में मंगल हो रहा है, और अभी लगाएंगे इसमें बेड, और वही सुबह इस करेंगे जंगल में मंगल। घुप अंधेरा, वो दूर एक लाइट लग रही है। आई थिंक आपने भी डिनर का टाइम 6 बजे आप व्लॉग देख रहे हो मेरा, डिनर आप भी करो और हम भी करते हैं। अब हम कर रहे हैं सबसे मुश्किल काम, ये हैंडपम्प यहीं था, और ये हैंडपम्प यहीं था, हमने अब बर्तन धो, सबसे लाइट जला दी मैंने गाड़ी की, हेडलैम्प ऑन की हुई देखो, और रोशनी पूरी हो गई है, और अब हम बर्तन बर्तन अपने धो रहे हैं, और अब पहुँच के रखेंगे, और अब लगाएंगे बेड। अब दिलो आपको दिख रहा हो तो पूरा पूरा जंगल है भाई, फॉरेस्ट है। बस अब हम अंदर गाड़ी में घुसने वाले हैं क्योंकि 8 बज गए हैं, यहाँ भालू काफी। मैडम डर तो लग रहा ना आपको? नहीं डर तो नहीं है, थोड़ा बहुत लगा है। हाँ एनिमल्स कोई भालू वालू आया था, पहले हम अपनी गाड़ी के अंदर, अभी जब तक ये लाइट जल रही है ना, हाँ, तब तक इतना टेंशन नहीं लग रही, पर ये है कि जैसे आग वाग भी नहीं है ना हमारे पास, तो आग का इंतजाम भी करेंगे अगली बार बॉन फायर का, तो हमारी आग बुझ गई है तो ये हमने अपने कर लिया है, और इससे पहले की कोई वैसे तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं, ऐसे कोई फालतू नहीं होते जानवर, पर फिर भी सेफ्टी करके चलेंगे। ये फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा बेड हमने लगा दिया है, बिल्कुल चकाचक तरीके से बेड लग गया, क्विल्ट भी हमारे पास। अब आप बोलो कोशिश सो तो जाओगे अंधेरे घुप अंधेरे में, आपके पास चेंजिंग रूम क्या है, तो ये हमारा है, ये कुर्सियां, और ये हमारा है चेंजिंग रूम, इसमें बड़ा बढ़िया सिस्टम है, जाके दिखाना अंदर, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, इसमें जाओ और इसको चेंज करो, कपड़े करो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये हमने कर दिया है, और आई थिंक 4 फिट का मेरा गद्दा है, इसमें आराम से 2 लोग तो सो सकते हैं, तो चलते हैं, जब सोएंगे तो गुड नाइट जरूर करेंगे आपसे। तो भाई अब हो गई रात, और आपका भाई लेट गया है पूरा, इसके अंदर देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ, पूरे मेरे पैर फैले हुए, लाइट का जुगाड़ हमने ऐसे किया हुआ है, अपराजिता भी लेट गई है, और ये 2 लोग इसमें आराम से सोएंगे, और ये देख लिए सामान आगे क्या पड़ा हुआ है, और सो जाएंगे। अभी टाइम कब पड़े था? 9:30 नहीं 10 बज गए होंगे, नहीं 9:30 बज गए हैं, अब सोते, थक भी गया, ट्रैक भी बड़ा किया था, तो अब सुबह मिलेंगे, अब सुबह मिलेंगे, और फिर आपको दिखाएंगे अपने टेंट में, टॉयलेट वॉयलेट का इंतजाम भी हमने कर लिया, तो सुबह मिलेंगे आपसे, तो गुड नाइट कर दे, गुड नाइट फ्रेंड्स, आप भी सोइए और हम भी सो जाते हैं, फर्स्ट पहली बार सो रहे हैं जिंदगी में हम कभी कार में नहीं सोए हमने, ऐसी कार कैंपिंग वगैरह, हाँ कार कैंपिंग कभी नहीं की हमने, तो सो जाते हैं हम, पहली बार जिंदगी में हम दोनों सो रहे हैं ऐसे, हम कभी नहीं सोए, और भालू भालू का अब चिंता नहीं है, गाड़ी में मैंने ब्लाइंड्स भी लगा दिए, ब्लैक कार में टेंशन नहीं है कोई, अगर कार में टेंशन नहीं है, कार भी घर की तरह सेफ है, कार ना गर्म भी होती है, हाँ कार भी गर्म है, और ये अभी हम पता है कहाँ पे, खजियार में है रात ये, हाँ, खजियार में हम अब पूरा स्कॉर्पियन में ही सोएंगे, हाँ, अगर आज हमारा सक्सेसफुल होगी राइट ना, तो हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों जब भी जाएं, हम 2 लोग तो इसमें सो सकते हैं आराम से, 3 का चैलेंज है, तो ऊपर कैंपिंग भी लगवा लेंगे हमें, तो गुड नाइट करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग, जय हिंद जय भारत।